बुलंदशहर के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस के रूप में उन्नयन किया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रदेश भर के में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का संचालन इस शिक्षण सत्र से शुरू किया गया है। इसी कड़ी में रीवा शहर के सबसे पुराने शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को भी उन्नयन कर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के मुख्य अतिथि में और सांसद जनार्दन मिश्रा व विधायक नरेंद्र प्रजापति की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले मुख्य अतिथि द्वारा कॉलेज के भव्य मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण कर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का फीता काटकर संचालन शुरू किया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ हिंदी ग्रंथ अकादमी के काउंटर को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया और चिन्हित विद्या भवन का अवलोकन करने के साथ ही पौधारोपण भी किया गया है। अतिथियों द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना द्वारा स्वागत भाषण एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना के बारे में महाविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों का वाचन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए पढ़ाई के स्तर को और ऊपर ले जाने के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस नए कॉलेज की शुरुआत से छात्रों की पढ़ाई को नई ऊंचाइयां मिलेगी और नए विषयों के साथ नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा कॉलेज की दो बसों का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से इस बस का किराया छात्रों को देना होगा और छात्र छात्राओं के आने जाने की सुविधाओं के लिए ही कॉलेज प्रबंधन द्वारा दोनों बसों का संचालन शुरू किया गया है। और ये कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में न सिर्फ भवन उपकरण पहले कई चीज़ों के लिए जो आप लोग परेशान रहते थे, या डॉक्टर कुमार यादव जी को हमारे मुख्यमंत्री हो को लेकर हम यहाँ आए याद ही नहीं आया भवन की ओपनिंग है और कई चीज़ों की बात की गई थी कि फर्नीचर के लिए पैसा मिल जाए और हमारे रेनोवेशन के लिए पैसा मिल जाए, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री को मालूम था कि हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ क्या कमी है, उसकी गुणवत्ता को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। IIT और IIM जैसे कुछ इसमें के जो संस्थान हैं उसकी कैटेगरी का कार्यक्रम हमारे मध्य के हाथ में एक कॉलेज को होना ही चाहिए, उसलिए उन्होंने ये योजना बनाई है। मॉडल साइंस का है, कावर है और निश्चित रूप से क्या कॉलेज के लड़का क्योंकि आज पढ़ा रहे हैं बड़े गर्व के साथ कॉलेज के रूप में प्रधानमंत्री
में गया था।